हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए घी की बर्फ़ी। तो फ्रेंड्स, घी की बर्फ़ी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान भी है बनाने में। तो जितनी आसान है बनाने में, उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ये घी की बर्फ़ी है। तो मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो घी, जिसको मैंने छील लिया है और छील के तीन भागों में काट लिया है छोटा छोटा, ताकि हमें मतलब कद्दूकस करने में आसानी हो और इसके बीज निकालने में भी आसानी हो। तो हमें बीज के बीज निकालने हैं, जो आपको बीज दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वो निकालने हैं। किसी किसी घी में बड़े बीज होते हैं, इसमें छोटे हैं, क्योंकि मैंने बोल के लाई थी कि मुझे बर्फ़ी के लिए चाहिए, तो उन्होंने देख के दिया था मुझे मतलब जिसमें छोटे बीज थे, तो ये बीज भी गल जाते हैं। तो हमें इस टाइप का कद्दूकस लेना है, बारीक वाला नहीं लेना, इसमें हमें कद्दूकस करना है इस घी को। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसके बीज निकाले थे, तो हमें पूरा नहीं निकालना गया, बस इसका जो गूथा सा होता है बीज का, बीजों वाला, वही निकालना है। तो मैंने ये निकाल लिए हैं सारे इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से निकालने हैं ये। उसके बाद आपको कद्दूकस करना है इनको, तो आपको गीला नहीं करना, धो के सुखा के उसके बाद इसको कद्दूकस करना है। तो पहले आप छीलने से पहले ही धो लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा खोआ लिया है, इसको बहुत लोग मावा भी बोलते हैं, तो ये मैं खोआ बोल रही हूँ इसको। तो ये खोवा है, तो ये ज़्यादा खोवा नहीं, सिर्फ 50 ग्राम से कम खोवा है ये। और क्या बोलते, मैंने लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर और ये काजू और बादाम है, इनको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बारीक करा, दरदरा सा कर लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं करना आपको, दरदरा सा करना है। और मैंने आधा कटोरी चीनी ली है और मैंने एक चमचा बड़ा चमचा भर के देसी घी भी लिया था और थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हैं। तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं मेवे, क्योंकि मैंने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ों में, तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा लिया है, आप थोड़ा कम कम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ घी को कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद मैं इसका पानी निकाल लूँगी, जितना भी हमारा इसमें पानी है घी में, तो मैं सारा निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रहेगा इसमें तो बनने में घी जो हमारी बर्फ़ी बनने में है बहुत टाइम लगेगी, क्योंकि पानी सूखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो हमें पहले ही इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है हाथों से। तो यहाँ पे मैंने पानी को निचोड़ लिया है घी के पानी को। उसके बाद में हम बनाने चलते हैं, तो बिल्कुल हमें निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पानी अगर छूट जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर उसको सूखने में, तो इसलिए पहले ही हमें ये काम कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई अगर आपके पास भारी वाली है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी ये। तो मेरे पास थोड़ी हल्की कढ़ाई थी तो चिपक रहा था, तो सबसे पहले मैंने डाल लिया इसमें देसी घी। देसी घी को मैं पूरे में फैला लूँगी अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई में। उसके बाद मैं इसमें घी डाल दूंगी, जो मैंने घी को कद्दूकस करा है, तो पहले मैं उसी को भूनूंगी। सबसे पहले हमें मेवे को नहीं भूनना, हमें अलग अलग से अलग चीज़ को ही करके नहीं भूननी, हमें सारी चीज़ें इसी में भूननी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, खोवे को जो है अलग से भूनते हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से भूनना है। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें घी, तो ये ज़्यादा घी नहीं है, आधा किलो है, आधा किलो घी में भी अच्छी खासी बर्फ़ी बन जाती है। अगर आपके घर में ज़्यादा मेम्बर हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं घी को, 1 किलो घी में बना सकते हैं, मैंने आधा किलो ही लिया था। तो इसको मैं कम से कम 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पहले भून लूँगी, 2 से 3 मिनट भूनूंगी, ज़्यादा नहीं इसको। अभी मैं इसको थोड़ा सा इसलिए भून रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पानी भी होगा अगर इसमें, तो वो भी सूख जाएगा इस तरीके से अगर मैं करूँगी, अगर मैं साथ में खोवा भी इसके नहीं डाल ली, क्योंकि अगर पानी होगा तो खोवा की बर्फ़ी जो है ख़राब होने का डर रहता है जल्दी से, तो इसलिए मुझे इसका पहले पानी सुखा लेना है सारा, क्योंकि निचोड़ने में भी थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है, हम कितना भी निचोड़ लें फिर भी रह ही जाता है। तो जब ये चिपकने लग जाए हल्का हल्का, तो समझ लीजिएगा कि पानी बिल्कुल सूख चुका है इसका, और थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लग जाएगा, उसके बाद पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम इसमें खोवा डालेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पहले से आपको खोवा नहीं डालना, पहले इसका जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसको भी सुखा लेना है, क्योंकि हमारी बर्फ़ी फिर लंबी चलती है थोड़ी सी, अगर हम चाहें तो 1 हफ्ते के लिए अगर रखना चाहें फ्रिज में, 8 से 10 दिन के लिए, तो हम आराम से रख सकते हैं फ्रिज में इस बर्फ़ी को। तो अब ये 5 मिनट में, मतलब 2 से 3 मिनट में मेरा हमारी जो घी का पानी है बिल्कुल सूख गया था और थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ दिया था इसने। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी खोवा, क्योंकि खोवा मैं इसीलिए साथ में डाल रही हूँ क्योंकि इसी के साथ खोवा भुन जाएगा, साथ में अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको खोवे को। तो फ्रेंड, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा खोवा मैं किसे कह रही हूँ, तो बहुत से लोग मावा भी बोलते हैं उसको, मावा। तो अभी मैं भून रही हूँ उसको और, ताकि अच्छे से भुन जाए, और ये अब हल्का हल्का सा लगने लग गया है कढ़ाई में, क्योंकि मेरी कढ़ाई हल्की थी। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल दूंगी खोआ, तो खोए को भी मैं साथ में भून लूँगी इसके। तो खोए को मैंने कद्दूकस कर लिया था, हमें ऐसे नहीं डालना, कद्दूकस करके डालना है खोए को, क्योंकि इसमें गांठे वगैरह फिर बाद में, वैसे तो घुल जाता है ये हमारा खोआ जो है आसानी से, लेकिन गांठे वगैरह होती हैं तो उसको फिर मिलाते रहो बाद में, तो इसीलिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक तरीके से, बारीक वाले कद्दूकस से। तो दोनों को एक जैसा ही कर लिया था मैंने, अब ये बिल्कुल मिल जाएंगी एक दूसरे से। तो इसको भी मैं 5 मिनट तक खुला ही पकाना है हमको, ढक के नहीं पकाना है इसको बिल्कुल भी, अगर आप ढक दोगे इसको
तो खोया और जो ये जो घिया है दोनों चिपक जाएंगे और मतलब कढ़ाई में लग जाएंगे और जलने का बहुत डर होता है। तो हमें इसको लगातार चलाते रहना है इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक। तो ये देखिए चलाते चलाते 5 से 7 मिनट में ऐसा हो गया है, इसने तेल छोड़ दिया है बिल्कुल। तो अगर आप छोड़ दोगे तो चिपकने का फिर डर, तो चिपकने के बाद क्या होता है कि बर्फ़ी सारी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ब्राउन कलर दिखने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं ढका है और ढकूंगी मैं बाद में, लेकिन चीनी डालने के बाद ढकूंगी मैं, अभी नहीं ढकूंगी इसको। तो ये लगभग आधी पक गई है, पूरी तरह से नहीं पकी है अभी घिया, कच्ची है घिया, क्योंकि 5 से 7 मिनट में घिया नहीं पकती जल्दी से। घिया जो है बहुत टाइम लेता है पकने में। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी चीनी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपके आपको चीनी डालनी है जब थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लग जाएगी, और ये मतलब जो मैंने मेवा डाला है मावा। तो अब मैंने चीनी भी डाल दी, तो चीनी जब थोड़ी सी घुल जाएगी, थोड़ा सा पानी सा हो जाएगा इसमें घी में, बिल्कुल पतला पतला सा हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको ढकना है मीडियम गैस करके। बिल्कुल फ्लेम स्लो नहीं करनी गैस को, थोड़ा सा मीडियम करके, मतलब ना हाई करना है ना एकदम स्लो करना है, बीच का रख के इसको ढक देना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा मिनट के लिए नहीं ढकना आपको। और बीच बीच में देखते भी रहना है, पता लगे कि आप ढक के रख दो 2 मिनट के लिए और ये जल जाए नीचे से, क्योंकि चीनी भी चिपकने का डर होता है चीनी डालने के बाद। तो अब मैं इसको ढक दूंगी कम से कम 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए ही ढकूंगी बस। और ये अच्छे से और ज़्यादा मतलब चीनी घुल जाएगी और गीला गीला सा हो जाएगा ये इतनी देर में। तो बस मुझे इसको ढक के गीला करना है और मतलब चीनी अच्छे से घुल जाए बस। तो देखिए फ्रेंड चीनी अच्छे से घुल गई है इसके अंदर और गीला हो गया है ये। तो अब मैं इसको एकदम तेज़ गीला, हमें यहाँ पे गैस को एकदम तेज़ कर देना है ताकि हमारी चीनी जल्दी से जल जाए, मतलब अच्छे से सूख जाए जल्दी से। तो मैं इसको लगातार थोड़ी देर चलाऊंगी, पहले 2 से 3 मिनट दोबारा से, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ढक दिया था, ढक के इसको मीडियम गैस पे रख दिया था मैंने दोबारा से। पहले मैं इसमें डाल लूँगी मेवे जो मैंने कद्दूकस करे थे, मतलब मिक्सी में जो मैंने बारीक बारीक पीस लिए थे उनको मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि ये भी हमारे थोड़े हल्के से मतलब पक जाएं, कच्चा पन ना रहे इनमें बिल्कुल भी। अगर मैं ऊपर से लास्ट में डालूंगी तो इसमें कच्चा पन रह जाएगा थोड़ा बहुत, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी हल्के से पक जाने चाहिए इसके संग बर्फ़ी के संग, क्योंकि ये बर्फ़ी के अंदर जो आएंगे हम मुँह में जब खाएंगे तो बर्फ़ी के संग ही रहेंगे, ऊपर नहीं डाले हमने ये। ऊपर से भी मैं डालूंगी, बाद में डालूंगी इनको। तो अब मैं इसको ढक के पका रही हूँ, मैंने गैस को मीडियम रखा है, तेज़ नहीं करा ना स्लो करा। तो देखिए फ्रेंड्स ढक के पकाया मैंने, ये हो गया है इतना। और हमें बिल्कुल ये नहीं कि ढक के छोड़ देना है, बीच बीच में चेक भी करना है हमें। तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा आ गया, हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसको ढकना नहीं है, हमें इसको लगातार चलाते रहना है। और अब मैं यहाँ पे ढक के डालूंगी इलायची, क्योंकि इलायची मैंने बाद में इसीलिए नहीं डाली, हम लास्ट में ही हमें इलायची डालनी चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि इलायची की जो महक हम लास्ट में जब डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, हर एक मिठाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर हम लास्ट में डालेंगे तो इलायची को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ, मैंने खुला ही पका लिया इसको, बाकी का जो थोड़ा बहुत गीलापन रह गया था तो मैं देख रही हूँ अलग प्लेट में निकाल के कि जमने लायक है कि नहीं। अगर ये अलग मतलब अभी मैं गर्म कढ़ाई में इसको बना रही हूँ तो ये नहीं लग रहा कि जमने लायक है, तो मैंने अलग इसलिए प्लेट में निकाल दिया, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ जमने लायक हो गया है। तो वैसे हो गया है जमने लायक ये, क्योंकि अब ये चिपकने लग गया है अच्छे से इसमें, और थोड़ा सा मतलब जो हम जब चला रहे हैं इसको तो ये चल नहीं रहा, बहुत टाइट सा हो गया था। मैं जब इसको चला रही हूँ तो चलाने में मुझे महसूस हो रहा है कि टाइटपन है, बिल्कुल ढीलापन नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ जो प्लेट में मैंने डाला है उसको, आपको उसको देख के ही पता लग जाएगा आपको कि हाँ हमारा मतलब जमने के लिए तैयार है बर्फ़ी। तो देखिए लग भी रहा है कि हाँ जमने के लिए तैयार है। तो आपको ऐसे इकट्ठा करके देख लेना है इस तरीके से जैसे मैं देख रही हूँ अभी इकट्ठा करके। तो अगर ये ऐसे इकट्ठा होने लग जाए तो समझ लीजिए जमने के लिए तैयार है एकदम हमारा जो बैटर हमने बनाया है बर्फ़ी का। तो अब मैं पहले प्लेट वाला देख लेती हूँ कि प्लेट वाला हमारा जमा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेट वाला हमारा जम गया है, और ये अभी गर्म है इसलिए ज़्यादा पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ है, क्योंकि हल्का सा ही गर्म था। तो मैंने जैसे ही प्लेट में निकाला ये जम गया था, गोली सी बन गई है इसकी। तो हमारा बैटर तैयार है। तो अब मैंने एक ले ली है ट्रे, ट्रे में मैं सबसे पहले डालूंगी देसी घी थोड़ा सा, और देसी घी को मैं फैला लूंगी सारी प्लेट पे, ट्रे पे। तो मैं अच्छे से इसको फैला लूंगी इसीलिए क्योंकि हमारे नीचे से जो बाद में बर्फ़ी है वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि घी की बर्फ़ी थोड़ी गीलापन रहता है, अगर आप फ्रिज में रखोगे उसको तो वो ठीक रहेगी, और फ्रिज से थोड़ा सा बाहर निकाल दोगे तो हल्की सी वो मुलायम सी हो जाएगी, मतलब गीली गीली सी रंग लग जाएगी, बर्फ़ी का शेप तो बना रहेगा लेकिन बहुत मुलायम हो जाती है वो। तो देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से फैला लिया है इसको बर्फ़ी की शेप में इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से फैला के इस पे जितने भी मेवे आपको डालने हैं, कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है
क्योंकि मैंने अंदर भी मिला दिए हैं इसमें और ऊपर से भी डाल रही हूँ मैं। आपकी मर्जी, अगर आपको डालने हैं तो अंदर डालिए, वरना आप ऐसे ऊपर से भी डाल के इसको मतलब कट कर सकते हैं। तो मैं कम से कम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप फ्रिज में ना रख के बाहर भी रख सकते हैं पंखे में, ये ठंडी जैसे ही होगी वैसे ही जम जाएगी अच्छी तरह से और काटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अभी इसको आपको काटना नहीं है, अभी इसको आपको ऐसे ही डेकोरेट करके और रख देना है फ्रिज में। तो मैंने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, 1 घंटे में ये अच्छी खासी जम गई थी मेरी बर्फी। उसके बाद मैंने इसको कट करा था। तो हमें इस तरीके से प्रेस कर देना है एक चमचे की सहायता से, ताकि ये मेवी जो है बाद में निकले ना अलग से। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी, कट करके आपको दिखाती हूँ बाद में 1 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने बर्फी को कट कर लिया है, 1 घंटे बाद हमारी बर्फी बनके रेडी है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।